हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामा एंड इवान। मैं हूं निशा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इजीली बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर घर पे कैसे बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर बच्चों के हेल्थ के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ड्राई फ्रूट पाउडर को बच्चों के खाने में इजीली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उनकी खीर में, हलवे में, या कोई पॉरेज बना रहे हैं उसमें, या कोई शेक बना के आप बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें भी आप इजीली इस ड्राई फ्रूट पाउडर को ऐड कर सकते हैं। आप 8 महीने के बाद बच्चों को 1/2 टीस्पून के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट पाउडर दे सकते हैं और 1 साल के बाद आप 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट पाउडर दे सकते हैं। तो आपका चॉइस है कि आप ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने लिए हैं काजू, कैश्यू नट 1 बाउल। यहाँ पे सेकेंड मैंने लिया है मखाना, फॉक्स नट। लेकिन आप मखाना लेते वक्त एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ये ऐसे रखा है। मखाने में इस तरीके से आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बच्चे के जब आप ड्राई फ्रूट पाउडर बना रहे हो तो इसे आप रिमूव कर दे, ये इसमें ना जाए। थर्ड मैंने लिए है यहाँ पे बादाम, आलमंड्स। यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ता लिए हैं और थोड़े से यहाँ पे मैंने अखरोट लिए हैं, वॉलनट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इतने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। बाकी आपका चॉइस है कि आप कौन कौन से ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं। कुछ लोग पीनट भी ऐड करते हैं तो आप पीनट ले सकते हैं, लेकिन आप 1 साल से छोटे बच्चे के लिए पीनट को अवॉइड कीजिए क्योंकि कई बार बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन नट्स को 1 बाय 1 ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली सभी नट्स को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसको अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आपको इसको ग्राइंड करना है। तो इसको अच्छे से पहले ठंडा हो जाने दीजिए। अगर ये गर्म होगा और आप इसको गर्म ही ग्राइंड कर देंगे तो इसमें से ऑयल रिलीज करने लगेगा, तो आपको इसको अच्छे से ठंडा करके तभी ग्राइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इसको 1 बाय 1 ग्राइंड करूंगी। मैं एक साथ ग्राइंड नहीं करूंगी क्योंकि एक साथ ग्राइंड करने से कई बार ये बहुत ज्यादा मुशी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं 1 बाय 1 ग्राइंड करूंगी। फ्रेंड्स, आपको ग्राइंड करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कंटिन्यूसली आपको मिक्सर नहीं चलाना है, आपको कुछ सेकेंड्स रुक रुक के आपको मिक्सर चलाना है, अदरवाइज ये बिल्कुल मुशी हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड हो गए हैं, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके आप एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट ठंडा है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये जो ड्राई फ्रूट पाउडर है इसको ग्लास कंटेनर में स्टोर कर दिया है और जितनी मैंने क्वांटिटी ली थी उससे मेरे ये 2 कंटेनर फिल हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट पाउडर इजीली घर पे बना सकते हैं और अपने बच्चे के हलवे में, पॉरेज में, खीर में, सब में आप दे सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा फ्यूचर में वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में और न्यू मदर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।